दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर करण कुंद्रा और उमर रियाज अपनी ही दोस्त तेजस्वी प्रकाश पर बुरी तरीके से भड़क चुके हैं, क्योंकि दोस्तों तेजस्वी प्रकाश ने हरकत ही कुछ ऐसी कर डाली है जिसके कारण इन दोनों को तेजस्वी पर काफी गुस्सा आया। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि गार्डन एरिया में उमर रियाज और करण कुंद्रा दोनों ही बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर तेजस्वी प्रकाश चॉपिंग करने का पूरा सामान यानी कि सब्जी वगैरह काटने के लिए ले आई। ये देखकर दोस्तों करण को काफी हैरानी हुई और करण ने कहा कि यार तेरे तो चॉपिंग की ड्यूटी नहीं है, फिर तू ये सामान यहाँ पर क्यों लेकर आई है। जिस पर तेजस्वी ने बताया कि समिता ना वो मेरे को कह रही थी कि आज उसकी जगह मैं सब्जी काट दूं और मेरा काम वो कर लेगी, यानी कि हम ड्यूटी आज आज के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए समिता के कहने पर मैं ये चॉपिंग का सामान यहाँ लेके आई हूँ ताकि यहाँ तुम्हारे पास बैठकर काट सकूं। ये देखकर दोस्तों उमर रियाज और करण कुंद्रा दोनों को ही तेजस्वी पर काफी गुस्सा आया और कहा कि यार तू कब सुधरेगी, जो लोग तेरी बैंड बजाते हैं तो उन्हीं के लिए काम करने लग जाती है, तेरी यह हरकतें हैं जिसकी वजह से मैं तेरे से नाराज होता हूँ और तेरे पे मुझको गुस्सा आता है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा करण को गुस्सा तो तब आया जब तेजस्वी ने कहा कि चलो अब जल्दी से सब्जी काट लो, क्योंकि सब्जी काटने के बाद में मुझे निशांत के साथ खाना भी बनवाना है। अब दोस्तों दिन के खाने की तेजस्वी की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि तेजस्वी की ये ड्यूटी नहीं है। इसके बावजूद जब तेजू ने ये लाइन कही तो उमर और करण दोनों को ही काफी गुस्सा आया और उमर ने कहा कि ये बहुत बकवास चीज है, ये तेरी चीजें मेरे को काफी गंदी लगती है, और तेजा तू सच में उन्हीं लोगों के साथ में ना उन्हीं की हेल्प करती है जो कि तेरी बैंड बजाते हैं, जो तेरी क्लास लेते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराइयां करते हैं, और तुझे अपना खुद का स्टैंड भी लेना नहीं आता है। खैर दोस्तों ये सारी बातें डांट और फटकार सुनने के बाद में तेजस्वी ने करण से कहा कि यार कुल कुछ भी हो जाए आखिर वो है तो तुम्हारे भी दोस्त ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी हेल्प करवा दूं, अगर वो तेरे दोस्त नहीं होते तो मैं कभी नहीं सोचती कि मैं उनकी हेल्प करूं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहां पर करण और उमर का इस तरीके से तेजस्वी पर गुस्सा जायज है या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। यदि आप भी इन तीनों के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।